गुड मॉर्निंग क्लास 30 स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 9 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब और क्रिया मीन्स क्या होता है, आपके जितने भी कार्य करने वाले शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के करने का होने का प्रकट हो रहा हो, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं शब्द क्या है, क्रिया। चंदन सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, तो इसमें वो क्या कार्य कर रहा है, सो रहा है, तो सोना शब्द क्या हो गया इसमें, क्रिया। बतख क्या कर रही है, तैर रही है, तैरना शब्द क्या हो गया इसमें, क्रिया। इस तरीके से पढ़ना, सोना, भागना, तैरना, बजाना, उड़ना सभी काम हैं, और ये सभी क्या कहलाते हैं, काम ही क्रिया होती है। जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। और जब तक क्रिया शब्द नहीं जुड़ते तब तक वाक्य अधूरा होता है। जैसे माधवी गाना, ये अधूरा है, माधवी गाना गा रही है, क्रिया शब्द जुड़ने के बाद ये वाक्य पूरा हो गया है। अब क्रिया शब्द है इनमें जैसे आना, जाना, खाना, गाना, उठना, उड़ना, खेलना, सोना, होना, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया शब्द हैं। आइए हम पाठ को दोहराते हैं। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ स्वतः हो जाती हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। स्वतः होने वाली क्रियाएं कौन सी होती हैं, सूरज का निकलना, सूरज निकल रहा है, वर्षा हो रही है, पौधे बढ़ रहे हैं, हवा बह रही है, तो ये सब क्या हैं, स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। ये हम नहीं करते हैं, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से होती हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य याद करेंगे। सही का निशान लगाइए। काम करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया। सही उत्तर क्या है, क्रिया। कौन सी क्रिया स्वतः हो रही है, पतंग उड़ाना, हवा बहना, किताब पढ़ना, स्वतः कौन सी क्रिया होती है, हवा बहना, अपने आप चलती है ना। कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कार चलाना, कार कोई चलाता तभी चलती है, नहीं तो वो खड़ी रहेगी ना, इसलिए कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कार चलाना। बारिश होना और बादल गरजना स्वतः होते हैं, ये हम मनुष्य के द्वारा नहीं होते हैं ये कार्य, कार चलाना होता है, इसलिए ये क्रिया में आएगा। खाली स्थान में कोष्टक में सही से सही क्रिया शब्द चुनकर भरनी है आपको। नानी मुझे एक रसगुल्ला दीजिए, आपके दो क्रिया शब्द दे रखे हैं इधर, दीजिए या लाइए, तो नानी मुझे एक रसगुल्ला दीजिए। मेरे पिताजी जा रहा है, नहीं आएगा, जा रहे हैं। रवि विद्यालय जाता है, चलता है नहीं आएगा इसमें, जाता है। माली ने फूल चुने, काटे नहीं होता उसमें, चुने होता है। होशियार बच्चों को इनाम मिलेंगे या मिलेगा, मिलेगा आएगा। इसके बाद है आपके वाक्यों में आए क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, रेखांकित करना है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है, क्या करती है, दौड़ती है, दौड़ती है शब्द क्या है, क्रिया। अक्रम खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खा रहा है शब्द क्या है, क्रिया। अंदर पिताजी सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो सोए हुए शब्द क्या है, क्रिया। सूरज चमकता है, शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है शब्द क्या है इसमें, क्रिया। तो ये जितना भी अभ्यास कार्य है आप याद करिए और इसको लिख कर देखिए, तो और आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।